बहू बेटी के साथ बलात्कार होता है तो वैसे भी जघन्य अपराध है, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाए तो, और वो अक्षम्य है, और ऐसे में जो दोषी व्यक्ति हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ममता बनर्जी की सरकार ने और उसकी पुलिस ने जरूर, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि FIR करने में विलम्ब हुआ और डेड बॉडी देने में विलम्ब किया गया है, इस पर उन्होंने टिप्पणी की है। लेकिन अब 5 दिन हो गया CBI की सौंपे, उस किस नतीजे पर पहुंचे हैं? क्योंकि यदि स्टेट की एजेंसी यदि असफल रही है तो सेंट्रल की एजेंसी कर रही है, वो किस नतीजे में पहुंची है? क्योंकि न्याय की उम्मीद पूरा देश कर रहा है, क्योंकि देश पूरा आंदोलित हुआ, लगातार घटनाएं घट रही है। जो नाबालिग बच्चियां हैं उनके साथ रेप हो रहे हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन के दिन एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, ये परसों की बात। तो लगातार इस प्रकार से जो घटनाएं हैं वो बढ़ रहा है, और ये कोई अच्छा संकेत नहीं लेकिन समाज राहुल के गांधी लिए। जी और सोनिया गांधी जी का प्रियंका गांधी जी हाथरस की घटना पे गए थे, वहां पे पुलिस ने उनको रोका था, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ये दोनों लीडर आपके कांग्रेस के अभी तक कलकत्ता क्यों नहीं पहुंचे और चुप क्यों हैं? लगा उन्होंने देखे राहुल गांधी जी के जो आपने ट्वीट देखा होगा, एक जो पोस्ट किया है, बहुत कड़े शब्दों में निंदा की और सरकार की आलोचना भी की। लेकिन केवल एक ही बात नहीं है, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी कब गए? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ उस पर भी कांग्रेस ने कुछ बोले बोला? प्रियंका जी का आप ट्वीट देख लीजिए, हम आप लोग कुछ बोलिए। हम बिल्कुल गलत है। यदि वहाँ जिस प्रकार से घटनाएं घटी और जिस प्रकार से मंदिर को नुकसान पहुंचाया